हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फीलिंग फैशन इनसाइड। आज ये वीडियो मेकअप के बारे में है। फर्स्ट अपना लिप को थोड़ा पैक कर दीजिए, लिप बाम। ये बहुत ही अफोर्डेबल है एंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। पर आप जैसे कि कॉलेज एंड ऑफिस के लिए आपके पास टाइम नहीं है इतना, तो प्राइमर एंड मॉइस्चराइजर एंड बहुत सारा चीज़ तो आप नहीं लगा सकते हैं बेस में। तो मैं एलोवेरा जेल जो है, एलोवेरा वो पतंजलि का भी यूज़ कर सकते हैं और लैक्मे का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आज लैक्मे का यूज़ करने वाली हूँ। मैं जितना भी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सारे अफोर्डेबल है, जैसे कि आप लोग ने मुझे डीएम किया था कि अफोर्डेबल का बनाने के लिए, तो वही तो मैं लैक्मे का यूज़ कर रही हूँ। मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप लोग को पता चल जाएगा, ऐसा वीडियो में पता नहीं चलेगा। इसके बाद सनस्क्रीन। गाइस, आप कभी भी कितने भी हड़बड़ी में क्यों नहीं भूलना मत, सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। जो भी एरिया सन एक्सपोज हो रहा है सन को, सनस्क्रीन यूज़ कीजिए। हो गया। उसके बाद थोड़ा इसको बैठने दीजिए चेहरे पे। फिर हाँ, तो कॉलेज एंड ऑफिस के लिए मैं आप लोग को कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि हमेशा आप लोग फाउंडेशन लगा, बीबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम डेली यूज़ में कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि आप लोग को मैं तो आप लोग कौन बीबी क्रीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं हल्का। जो भी अपना फेस में अप्लाई कर रहे हैं वो अपने नेक में भी अप्लाई कीजिए फिनिशिंग टच देने के लिए। तो जो नो मेकअप हो या फिर कॉलेज के लिए हो या फिर ऑफिस के लिए हो, वो मेकअप में आप लोग का जो आईब्रो का सेट है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। वो आप कीजिए तो आप लोग का फेस का थोड़ा लुक चेंज हो जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं यूज़ कर रही हूँ मेबिलिन का। तो ये जो बिगिनर है या फिर जो भी ज़्यादा टाइम लगाना नहीं चाहते हैं मेकअप में और जल्दी जल्दी कर लेना चाहते हैं सब कुछ, तो ये बहुत सही है। बस स्केच है और आप ड्रॉ कर दीजिए। देखिए, सी द डिफरेंस। ये हो गया काजल। सो गाइस, काजल के बारे में मैं थोड़ा टिप्स देना चाहती हूँ, जो कि आपका आँख थोड़ा बड़ा दिखने से ज़्यादा अच्छा लगता है फेस में। तो आप क्या करेंगे, हमेशा ऐसे लाइनर जैसे दे देंगे काजल में और हाफ मेरे जैसा। देखिए, यहाँ तक मैं काजल लगाई हूँ, यहाँ छोड़ दी हूँ। तो ये आपका आई का एक सेफ देता है और आपका आई जो बड़ा दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग हमेशा मुझे इंस्टा में बोलते हैं कि दीदी आपका आई बहुत सुंदर है, सुंदर है। तो ये ट्रिक है, आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो। ये हो गया, सब सेट हो गया। थोड़ा जो है कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज पाउडर से सेट कर दीजिए ताकि आपका जो मेकअप है पूरा होल डे कॉलेज में या फिर ऑफिस में पूरा रहेगा। तो मैं क्योंकि अफोर्डेबल है तो ये मेबलिन का यूज़ कर रही हूँ। तो गाइस, मैं जैसे आपका ऑफिस में आज गणेश पूजा है तो आपको जैसे कि थोड़ा ज़्यादा मेकअप करना है वो ऑप्शनल है। ये डेली का मेकअप के लिए है, बस आप एक लिपस्टिक लगा दीजिए, हो जाएगा। वो हो गया काजल का टिप्स। और लिपस्टिक का मैं आप लोग को कैसे दिन भर रहेगा वो उसका थोड़ा आपको नुकसान बता देती हूँ। जैसे कि एक तो आप लोग को पता होगा शायद, लिप में टिश्यू पेपर रख के पाउडर या फिर कंपैक्ट पाउडर आप लगाएंगे या फिर लिपस्टिक में जितना एक्स्ट्रा टिश्यू में जितना एक्स्ट्रा लिपस्टिक है उसको निकाल देंगे फिर उसके बाद फिर से लगाएंगे, वो भी एक ट्रिक है। लेकिन सबसे ईजी ट्रिक है, आपका लिप्स थोड़ा बड़ा भी दिखेगा और सेफ प्रॉपर सेफ भी दिखेगा। तो आप हमेशा बेस में जो है आपका लिप लाइनर लगाइए, लिप लाइनर के ऊपर ही लिपस्टिक लगाइए तो आप लोग का वो दिन भर रहता है।
ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत काम करता है। मैं हमेशा कुछ भी पार्टी वगैरह सुबह से लेकर रात तक रहना पड़ेगा जिस पार्टी में, तो मैं ऐसा करती हूँ। तो ये हो गया आज का मेकअप मेरा, क्योंकि आज गणेश पूजा है तो मैं थोड़ा एक बिंदी लगाऊंगी। तो मुझे तो बिंदी नहीं मिल रहा है, मैं जो हुडा का लिपस्टिक लिक्विड है उसको बिंदी बना रही हूँ। हो गया गाइस। हाँ, तो और एक मैं टिप्स आपको बताना चाहती हूँ गाइस, आपको मार्केट में ये प्रोडक्ट अगर मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है, मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं ऑनलाइन सर्च करके इसका लिंक दे दूँगी। ये प्रोडक्ट में आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा गाइस। ये अगर आपके पास है तो आपको हाईलाइटर की ज़रूरत नहीं है, ब्लश की ज़रूरत नहीं है, या फिर आई शैडो भी जो भी हल्का सा, या फिर फेस्टिव मेकअप करने के लिए वो आपका आराम से हो जाएगा। मैं हमेशा ये ट्रैवल में कैरी करती हूँ ताकि मुझे ईजी लगता है। मैं इसमें स्मोकी आई भी बना सकती हूँ, और ये मेरा हाईलाइटर हो गया, ये मेरा ब्लश हो गया। तो आप ये प्रोडक्ट में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपका ऑफिस में कुछ फंक्शन है, ये तो नॉर्मल हो गया डेली के लिए, कुछ फंक्शन है तो आप क्या करेंगे। तो ऑप्शनल है, अगर आपका ऑफिस में या फिर कॉलेज में कुछ फंक्शन है तो उस वो आप अप्लाई कीजिए। मैं सी द ग्लो